हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करेंगे। आपने कभी भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं किया है और आपको ऑर्डर करना नहीं आता है तो किस तरह से आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करेंगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाले हैं। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे किस तरह से आपको ऑर्डर करना है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बताते हैं किस तरह से आपको शॉपिंग करना है फ्लिपकार्ट से। प्ले स्टोर से आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना है फ्लिपकार्ट ऐप को। मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लिया हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट बार लॉगिन करना होगा अपने मोबाइल नंबर से, तो लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन करके रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो भी आपको शॉपिंग करना है ऐसे आपको सर्च कर लेना है। जो भी आप यहाँ पे शर्ट में यहाँ पे मैं शर्ट यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं शर्ट यहाँ पे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे शर्ट आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको शर्ट ख़रीदना है यानी उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जो भी आपको शर्ट पसंद आता है ऑर्डर करने के लिए उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं कलर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कलर भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको साइज आ जाएगा। जो भी साइज में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कलर को, यानी आपका साइज क्या है, एम साइज है, एल है, एक्सएल है, डबल एक्सएल है, तो मेरा यहाँ पर एल साइज है। आपको अपने हिसाब से आपका साइज जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है लाल कलर में अवेलेबल नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे चलिए इसको मैं करता हूँ। तो मेरा एक कलर अवेलेबल है, एक कलर में अवेलेबल है, रेड कलर में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एल साइज। उसके बाद एल साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका नीचे डिलीवरी कितना दिन में आपको यहाँ पर सारा कुछ कितना तारीख को डिलीवरी दिया जाएगा, फ्री डिलीवरी चार्ज सारा कुछ यहाँ पर 10 दिन में रिटर्न पॉलिसी है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे बाय नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम वेट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आया, हमें ऑर्डर समरी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम आपको एड्रेस का ऑप्शन आएगा, एड्रेस इंटर करने का, जो भी आपका एड्रेस है जिस जगह पर आप डिलीवरी यानी आप अपना शर्ट को यानी कुछ भी आप ऑर्डर कर रहे हैं वो आप जिस जगह पे मंगाना चाहते हैं उस जगह का एड्रेस आपको डाल देना है। एड्रेस आपको फर्स्ट में वहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सारा एड्रेस यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ। आपको यहाँ पे जैसे कि मेरा न्यू एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, ऐड ए न्यू एड्रेस, मैं इस वाले पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सारा एड्रेस आपको फुल यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पर पिन कोड और यहाँ पर आपका स्टेट, सिटी, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, एरिया नेम सारा कुछ यहाँ पे आपको एंटर करके उसके बाद सेव एड्रेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस सेव हो जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे देख सकते हैं तीन तरह से एड्रेस यहाँ पे मेरा का सेव हो चुका है। उसके बाद चलिए मैं एड्रेस यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं UPI के माध्यम से, वॉलेट के माध्यम से, पेटीएम वॉलेट है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी। तो चलिए मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करने का, तो यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आपको प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। प्लेस ऑर्डर वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म ऑर्डर कर देना है। कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, यानी ऑर्डर यहाँ पे हो चुका, ऑनलाइन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर हिस्ट्री में आपको देखना है, इसी के यहाँ से आपको कट कर लेना है, बैक कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं मेरा ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर हो चुका है, ऑर्डर कन्फर्म योर टूडे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना तारीख को यहाँ पे दिया जाएगा ऑर्डर यानी डिलीवरी, आपको कितना आपको शर्ट मिल जाएगा, आउट ऑफ डिलीवरी सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है।
और यहाँ पे एडिट एड ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह से आप भी अपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं अगर पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं तो। इसी तरह से आप भी जिस तरह से मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सुनील कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।